जगन्नाथ जमी को नहीं विवाद रे बीजेडी सरकार महाप्रभु संपत्ति लूट पाई होई कि भयंकर षड्यंत्र छ वर्ष हला कहीं सुप्रीम कोर्ट निर्देश पालन करूना राज्य सरकार उठिला प्रश्न श्रीमंदिर प्रशासन खाता को केबे फेरिबो 26,000 एकर जमी श्रीमंदिर और श्रीजगन्नाथों जड़ित आउ एक गुरुत्वपूर्ण प्रसंग में बिवाद घेर को आसी राज्य सरकार महाप्रभु और महाप संपत्तिर अधिकारी राज्य तथा राज्य बाहर महाप्रभुंकर अच्छी मोट 60,418 एकर अस्थावर संपत्ति एजाए 34,200 एकर जमी श्रीमंदिर प्रशासन खाता को आसी बाकी प्राय 26,000 एकर जमी नहीं रही अनिश्चितता महाप्रभुंकर सबु संपत्तिर तालिका कर मंदिर प्रशासन खाता को फेर आने को 6 वर्ष तले निर्देश देते सुप्रीमकोर्ट 6 मास भितर प्रक्रिया सर सर्वोच्च अदालतों निर्देश थे 6 वर्ष हला पालन करूना राज्य सरकार महाप्रभु संपत्तिर डिजिटाइजेशन प्रक्रिया आरंभ होता श्रीमंदिर मुख्य प्रशासक किंतु अभियोग डिजिटाइजेशन आड़े समय गड़ाऊ सरकार जमी माफिया मधुचंद्रिका कर मालामाल अधिकारी महाप्रभु जमी विषय आलोचना करागला ता विषय आमर निष्पत्ति कि अर्सेक को गोटे आम प्रोजेक्ट देवु अर्सेक गोटे प्रपोजल तैयार करके देवे जोटा कि मैनेजिंग कमिटी अप्रूव करके आम गवर्नमेंट को पठाइबे एंड गवर्नमेंट अप्रूवल आसीबा परे से प्रोजेक्ट करा जीवो जो थे कि आम डिजिटाइजेशन हम लैंड रिकॉर्ड्स तापरे आमर को जगार जमी अच्छी से सब जमी विषय डिटेल्सटा डेटाबेस सुप्रीमकोर्टर निर्देश को स्वतंत्र भाव में जगन्नाथ मंदिर प्रशासन बेखातरी कर चलती जो कथा गत वर्ष कही डिजिटाइजेशन हम जगन्नाथ मंदिर जमी बोली आज पर्यटन डिजिटाइजेशन द्वारा जगन्नाथ मंदिर जमी फेरलानी कौ जमी फेरलानी ना देखिए जो 26,000 एकर आहरी जमी आसवा कथा एपर्त डिजिटाइजेशन आसनी जगन्नाथ मंदिर अक्तिर को आसनी से जमी गुड़िक सब देखिए पथर खणी आरंभ कर विभिन्न खणी गुड़िक जमी गुड़िक जोटा कि जमी माफिया आ मंदिर प्रशासनिक अधिकारी मानकर मधुचंद्रिका द्वारा से जमी गुड़िक जमी माफिया कबल रही तार संपूर्ण भाव में आय उपसत्व से जमी माफिया मैंने खाऊंट मंदिर पर टा आसुनी सुप्रीमकोर्ट आदेश कार्यकारी हो पारानी 2019 मसीहा नवेम्बर 4 तारिख में माननीय सर्वोच्च न्यायालय कही समस्त संपत्ति ठाब करने कि प्रशासन अपरागता जो आज पर्यटन ठाब हो पारे एने श्रीमंदिर प्रशासन राज्य सरकार तुरंत पदक्षेप नवा आवश्यक सेपटे स्थायी पट्टा पाइबा को अपेक्षा कर 80,000 परिवार आशा एवं पलटुची हताशा दीर्घ वर्ष पर महाप्रभु जमीजमा समस्या कैबिनेट रे मंजूर हो सरलीकरण होता 2019 यूनिफर्म पॉलिसी आधार आवेदनकारी एनओसी मिल लैंड सब कमिटी बैठक में स्थिर होता निष्पत्ति अनुसार महाप्रभु जमी 30 वर्ष अधिक समय दखल में थे एकर को 6 लक्ष टा 20-30 वर्ष मध्य दखल में थे एकर को 9 लक्ष 12-20 वर्ष थे एकर को 15 लक्ष टा एवं दखल समय 12 वर्ष कम होते सरकारी दर में अर्थ पैठ करने को आवेदनकारी 90 दिन भितर अर्थ पैठ कले 1 वर्ष भितर पट्टा मिल बैठक में कहुला तेज यह विरोध करने 2019 बदल 2003 यूनिफर्म पॉलिसी लागू करने को दावी करी विधायक सेवायत भिटामाटी सुरक्षा मंच और भू संपत्ति सुरक्षा मंच 2003 यूनिफर्म पॉलिसी अनुसार पट्टा दि नगले आसंता निर्वाचन में यह बीजेडी वोट बैंक उपर बड़ प्रभाव पकड़ वरिष्ठ सेवायत तेज शुणु जमीजमा समस्या समाधान कौन कही पूरी सांसद समस्त को गोटे सांगे मिसेक रखिकी गोटे पेज उपर आणिकी टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट चासी भाई मैंने समस्ते किमित रेकनसलेसन करहब से आज गोटे मीट कलु मुशा करुच्ची यार किसी समाधान बहुत शीघ्र बाहर सरकार गोटे यूनिफर्म पॉलिसी ऑलरेडी आनी यूनिफर्म पॉलिसी रे केते लोक से संपृक्त हो पारे सी एवं गोटे प्रोसेस चलती सिफ्टिंग करिवार जति प्रथम पेज रे जो रेट रे देछ सेही रेट रे समिति के दियो सेही न्याय रे 2003 रे जो हेइथला नियमटा से 2003 नियमटा लागू होइले एटा पुरी लोक नु साहस लोकंकर दाबी एटा जो माने आदर सफर हेछंती तमे गोटे लोक को दबो 1,000 टका लेके डिसिमिल आउ जतो जनरल साधारण लोक कथा आसो तमे कहि दो 5 लाख टका डिसिमिल एटा बिल्कुल अन्याय कथा मंदिर प्रशासन को पावर आसी मु अनुरोध करी जमती प्रथम फेज रे जो नियम रे देथिलो सही नियम रे वर्तमान सेटा करो नहले लोके घोर असंतोष हेबे मोर से डिमांड थिला जे जो माने 1 डेसिमल टू 10 डेसिमल जाय अछते से माने को पूरा फ्री रे
ତାଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଣୟ ଫ୍ରଣୟ ଆମେ କିଛି ଦେବୁନି, ତାଙ୍କୁ ଫ୍ରିରେ କରାଯାଉ। କାହିଁକି କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ମଠରୁ ପଇସା ଦେଇ କିଣିଥିଲେ, କବଲା କରିଥିଲେ, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଦେବେ, ତେଣୁକରି ସେଥିପାଇଁ ସେଇଟା ଫ୍ରି କରାଯାଏ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟବସାୟିକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ, ତେଣୁକରି 2003 ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା ସେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ, ତେଣୁକରି ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଗଲା ନାହିଁ। ନିର୍ବାଚନ ପାଖେଇ ଆସିଥିବାରୁ ଏ ଜିନିଷ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ, ତାପରେ ନିର୍ବାଚନ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେଣି, ତେଣୁକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ବଡ଼ ମୁଦା, ଲୋକମାନଙ୍କର 80,000 ପରିବାରର ମାନେ ପେଟ ପାଟଣା, ଜମିବାଡ଼ି କଥା, ଘରଦ୍ୱାର କଥା, ତେଣୁକରି ଆକୁ ଯଦି ନ କରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ ତା ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁନାହିଁ, ତେଣୁକରି ଲୋକମାନେ ସଚେତନ କ'ଣ କରିବେ କ'ଣ ନାହିଁ ସେ ଭୋଟ୍ରେ ଉଚିତ ଜବାବ ତାର ଦେବେ। ଗଲା ବର୍ଷ କଲେକ୍ଟର 2023 ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା କରିଦେଲେ ଏବଂ ଗୋଟେ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ଦେଇଦେଲେ 2019 ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଯେଉଁ ୟୁନିଫାଇଡ୍ କଲିଷ୍ଟାକୁ ସଂଶୋଧନ କରାଗଲା, ଯେ ସଂଶୋଧନ କ'ଣ କରାଗଲା ଏବଂ ତା ଦ୍ୱାରା ଲୋକ କ'ଣ ଉପକୃତ ହେବେ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ପରିଚାଳନା କମିଟିର ପାଖରେ ପାସ୍ ହେବା କଥା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଇଏ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ଦେଇଦେଲେ, ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଆ ବୁଲେଇ ଦେଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଦେଇଛୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ବାଚନ ଆସିଗଲା, ପୁଣି ନିର୍ବାଚନ ବୈଚରଣୀ ପାର ହୋଇଯିବେ। ଗୋଟାଏ ପରେ ଗୋଟାଏ ମାନେ ନିର୍ବାଚନ ବେଳକୁ ପୂର୍ବ ଦିନ ମନେ ପଡ଼େ ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ବେଳକୁ ଗୋଟେ ଲଲିପପ୍ ଧରଉଛନ୍ତି। ପୁରୀ ସହରବାସୀ ପୁରା ସିଧାସଳଖ ଏଥରକ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଆସିବା ଦରକାର, ଲଢ଼ିବା ଦରକାର ଏବଂ ଲଢ଼ୁଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୋଟ୍ ବର୍ଜନ କରିକି କୈଫତ ମାଗିବା ଦରକାର। ଜଗା ସମ୍ପତ୍ତି କେବେ ଫେରିବ ଓ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜମିରେ ରହୁଥିବା ଲୋକେ କେଉଁ ପଲିସି ଅନୁସାରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେବେ ଓ ସେମାନଙ୍କୁ କେବେ ମିଳିବ ପଟ୍ଟା, ସେ ନେଇ ବଢ଼ୁଛି ଅନିଶ୍ଚିତତା। ପୁରୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ବିକ୍ରମ ପରିଡ଼ା, ଗଣେଶ ଦାସଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ ଓ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। TSG ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣା, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।